बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम बात कर रहे हैं तेजी से पुनः अपनी जगह स्थापित हो रहे आयुर्वेद की। आयुर्वेद जिसके बारे में सुना तो बहुत जाता है लेकिन जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। आयुर्वेद वह साहित्य जिसका अध्ययन कर हम अपनी जीवन शैली का विश्लेषण कर सकते हैं। यह स्वस्थ व्यक्ति व रोगी के लिए उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान को ही आयुर्वेद कहा जाता है, या फिर जिस शास्त्र में आयु शाखा, उम्र का विभाजन, आयु विद्या, आयु सूत्र, आयु ज्ञान, आयु लक्षण, आयु तंत्र, इन संपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है, वही ही आयुर्वेद है। कुछ ऐसी ही बारीकियों को देखने व समझने की ही आज हम सभी को जरूरत है। बढ़ते प्रदूषण से बढ़ने वाली बीमारियों का इलाज केवल यदि संभव है तो आयुर्वेद में, ऐसा मेरठ के महावीर आयुर्वेद मेडिकल एवं चिकित्सालय में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर देखने को मिला। आयुर्वेद के क्षेत्र में महावीर आयुर्वेद मेडिकल और चिकित्सालय ने उत्तर प्रदेश में अपना अलग व अनूठा स्थान बना लिया है। इसका कारण यह भी है कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र को वह सब मिल रहा है जो उन्हें आयुर्वेद में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर क्या क्या आयोजन हुए महावीर आयुर्वेद मेडिकल एवं चिकित्सालय में। यह वह मौका था जो छात्र छात्रों के साथ ही दूर दराज से इलाज के लिए आए लोगों के लिए यादगार दिन बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर जनरल सतीश राघव, डायरेक्टर एडमिन विक्रांत यादव, डायरेक्टर अनुराग शर्मा एवं प्राचार्य प्रोफेसर देवदत्त भारलीकर ने भगवान धन्वंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। इस दौरान डायरेक्टर जनरल सतीश राघव ने मरीजों को संबोधित करते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के प्रति जागरूक रहने और रोगों से बचाव और उपचार के गुण सिखाए, साथ ही आयुर्वेद औषधियों के पौधों के विस्तृत भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर निधि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्म महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मैं यहां पे पंचकर्म डिपार्टमेंट के ओपीडी देखती हूं। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे कि गठिया, बाय, पैरालिसिस के पेशेंट, बच्चों के डिजीजेज जिसमें बच्चे सही प्रकार से चल नहीं पाते हैं, मानसिक बीमारियां आदि का हम चिकित्सा करते हैं। जैसे इस साल हमारा आयुर्वेदा डे का थीम था आयुर्वेदा फॉर लॉन्गेविटी, यानी बुजुर्गों में जो आमतौर पर बीमारियां मिलती हैं जैसे कि घुटने के दर्द, बाय, आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हर दूसरे आदमी को ये बीमारी हो रही है, इवन यंग एज में भी ये पॉपुलर है। तो हम आयुर्वेद में पंचकर्म के थ्रू इन सब बीमारियों की चिकित्सा करते हैं। यहाँ महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में हम कटिवस्ती, शिरोवस्ती, जानुवस्ती और अनेक प्रकार के और भी बहुत सारे चिकित्साकरण पंचकर्म के अंडर करते हैं, जैसे वमन, विरेचन, शिरोधारा, जो आजकल कॉमन सिनेरियो में फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि किसी भी रोग को ख़त्म करने के लिए हमें उसके जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा और पंचकर्म अकेली एक ऐसी विधा है जहाँ पे हम रोगों को जड़ से नाश करते हैं। एक बार रोग जड़ से ख़त्म हो गया तो दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में भी भाग लिया। संस्थान की ओर से दूर दराज से आए लगभग 250 मरीजों को औषधि पौधे जैसे सेजल, आंवला, गिलोय, हारसिंगार आदि पौधों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर वैद्य चंद्रचूर्ण मिश्रा, डॉक्टर रविकांत त्यागी, डॉक्टर सनी सिंह, डॉक्टर किरण जूली माथुर, डॉक्टर राजारानी और डॉक्टर दिनेश आदि भी उपस्थित रहे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।